एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? एक्सपर्ट सिस्टम से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन एक्सपर्ट सिस्टम? सर एक्सपर्ट मींस माहिर होना, एक्सपर्ट सिस्टम। जैसे हम लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर या वो नॉलेज इंजीनियर पार्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट है, वो इंजीनियर सिविल का एक्सपर्ट है, वो इंजीनियर मैकेनिकल का एक्सपर्ट है, वो इंजीनियर कंप्यूटर साइंस का एक्सपर्ट है, वो डॉक्टर कार्डियक का एक्सपर्ट है, हम लोग बोलते हैं ये। सर। तो एक्सपर्ट का मतलब दैट पर्सन हैज गुड नॉलेज, ही और सी हैज गुड नॉलेज ऑफ दैट पार्टिकुलर डोमेन और पार्टिकुलर दैट फील्ड, तब तो हम बोलते हैं ना। यस सर। और जो एक्सपर्ट सिस्टम, जैसे आपने देखा होगा कि ह्यूमन की बॉडी में आज क्या हुआ, पहले हमें कुछ दिखवाना होता था, डॉक्टर के पास जाते थे कि व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ माय बॉडी राइट नाउ। आज क्या है, ऑक्सोमीटर, ब्लड प्रेशर मशीन, ब्लड शुगर मशीन, हार्ट मशीन। आज लोग बहुत सारे मशीन इक्विपमेंट तो घर पे ही रख के चेक करते रहते हैं अपने बॉडी को कि क्या पोजीशन है हमारे बॉडी की। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ माय बॉडी राइट नाउ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन माय बॉडी राइट नाउ, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर पोजीशन इन माय बॉडी राइट नाउ, व्हाट इज द शुगर पोजीशन इन माय बॉडी राइट नाउ। तो कैसे, पहले हमें क्या होता था, डॉक्टर के पास हर चीज के लिए मूव करना पड़ता था। तो एक्सपर्ट सिस्टम ये हुआ कि जो ह्यूमन की बॉडी की एक्टिविटी का, ह्यूमन के बॉडी के पल्सेज का, ह्यूमन की बॉडी के हार्ट रेट का, हार्ट बीट का, सारे चीजों को हम मशीन के अंदर इनपुट कराते जा रहे हैं, मशीन के अंदर इनपुट कराते जा रहे हैं, और मशीन को उस हिसाब से हम डेवलप कर रहे हैं, मशीन को उस हिसाब से हम डेवलप कर रहे हैं कि मशीन एक ह्यूमन के बारे में एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सके। आपने देखा होगा यहाँ बहुत सारे बच्चे जब आप वेब एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो चैट बॉक्स किसी किसी एप्लीकेशन पे बना हुआ होता है। आप लोग चैट बॉक्स के साथ कभी काम किए हैं कि नहीं? जैसे आपने कोई खोला तो उसमें मैसेज आता है, पहला मैसेज उधर से वेब एप्लीकेशन की तरफ से, मे आई हेल्प यू। उसके बाद आप चैट बॉक्स में कुछ इनपुट कराते हैं तो फिर क्या होता है, चैट बॉक्स रिस्पॉन्स करता है, फिर क्या होता है, चैट बॉक्स रिस्पॉन्स करता है। तो चैट बॉक्स इज नॉट रिस्पॉन्सिंग, एक्सपर्ट सिस्टम इज देयर। चैट बॉक्स के पीछे जो है एन एक्सपर्ट सिस्टम है जो रिस्पॉन्स कर रहा है, जो रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, तो लिखिए अब, राइट डाउन ऑल ऑफ यू, एक्सपर्ट सिस्टम्स। समझ में आया सोनाली? यस सर। समझे कुछ कि नहीं समझे? यस सर समझ गई सर। एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आप लिखवाए हैं कहाँ तक दिखवाए बताओ। सर, उसका पूरा डेफिनेशन। सर। एंड यूजर्स, एन एक्सपर्ट सिस्टम इज अ नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट यूजेस इट्स नॉलेज अबाउट अ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन एरिया टू एक्ट एज एन एक्सपर्ट कंसल्टेंट टू एंड यूजर्स। ओके, अब है कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। कंपोनेंट्स लिखिए, कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। लिखिए, द कंपोनेंट्स ऑफ, द कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम
the components of an expert system include a knowledge base and software modules. Include a knowledge base and ANN software modules. That perform inferences, inferences, that perform inferences on the knowledge. That perform inferences on the knowledge. Inferences on the knowledge. On the knowledge in the knowledge base and communicate answers and communicate answers to the user's questions. इसका मतलब ये हुआ कि आज आप लोग हम लोग गूगल से क्वेश्चन पूछते हैं कि वेयर इज द नियर हॉस्पिटल पूछते हैं, वेयर इज द नियर बैंक, वेयर इज स्टेट बैंक ब्रांच नियर बोरिंग रोड, वेयर इज रेस्टोरेंट, तो गूगल आपको हमको सारी चीजें बताता है कि नहीं? Yes, sir. तो क्या है वो? That is an expert system. Whatever you want, you go through the Google, you speak and you get response. Means क्या कि human language को भी Google समझने लगा. पहले Google क्या समझता था, पहले web application क्या समझता था, हम जो input करते थे through the keyboard or through the mouse जो हम input करते थे, उस input को समझता था, उसको process करता था, फिर हमें output मिलता था, then we are getting output. ठीक है, अब क्या है कि माई वॉइस, ह्यूमन का जो वॉइस हुआ, ह्यूमन की जो वॉइस हुई, दैट ऑल्सो बिकम्स एन ह्यूमन वॉइस ऑल्सो बिकम्स एन इनपुट. हो गया कि नहीं? सत्यम बोलो. यस सर. द ह्यूमन वॉइस ऑल्सो क्या हो गया? ह्यूमन वॉइस ऑल्सो इनपुट का काम किया. तो ह्यूमन वॉइस जब इनपुट हुआ तो उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आया. अब सुनिए, एक होता है नॉलेज बेस. नॉलेज बेस का क्या मतलब आप समझते हैं? हम किसी पार्टिकुलर डोमेन का हम एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं. आई एम गोइंग टू डेवलप एन एक्सपर्ट सिस्टम ऑफ ए पार्टिकुलर डोमेन. अगर मान लेते हैं हम हेल्थ के बारे में कोई एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हेल्थ के रिगार्डिंग जो एक्सपर्टाइज हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग जो एक्सपर्ट हैं
उनका हेल्प लेंगे, उनका हेल्प हम लेंगे, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सपर्टाइज वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है एक्सपर्ट सिस्टम का वो होता है नॉलेज बेस। क्या होता है? नॉलेज बेस। क्योंकि जिस फील्ड का भी हम एक्सपर्ट सिस्टम बनाने जा रहे हैं, सुन लेना, जैसे आजकल जमीन के नीचे क्या है, पहले हमें मिट्टी खुदाई करके पता चलता था कि यहाँ पे कोल है, गोल्ड है, डायमंड है, माइका है और एनीथिंग एल्स है। आज क्या है कि जमीन के ऊपर हम एक्सपर्ट सिस्टम लगा देते हैं और कई किलोमीटर नीचे क्या है वो एक्सपर्ट सिस्टम में चला आता है। तो एक्सपर्ट सिस्टम हम डेवलप कैसे करेंगे? सबसे पहले नॉलेज इकट्ठा करेंगे उस पार्टिकुलर डोमेन के लिए, उस पार्टिकुलर डोमेन के लिए हम नॉलेज इकट्ठा करेंगे। जैसे आप आज गूगल पे डाल के देखो कि व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ ब्लड शुगर इन योर बॉडी, हाउ मच स्पून डू यू नीड शुगर इन ए बॉडी, मतलब एक दिन में कितना चम्मच चीनी की जरूरत है आपकी बॉडी में, एवरीथिंग यू विल गेट थ्रू द गूगल। थ्रू द गूगल व्हाट यू विल स्पीक, एवरी रिस्पॉन्स यू विल गेट फ्रॉम द गूगल। कैसे होता है वो? क्या बिना जो ये टीम, जो गूगल टीम डेवलप की है एक्सपर्ट सिस्टम को, तो क्या बिना हेल्थ के एक्सपर्टाइज को लिए क्या वो कर सकती है? तो एक्सपर्टाइज आज जैसे मैंने बताया कि जमीन के नीचे क्या है, उसके लिए भी जो जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जियोलॉजिकल फील्ड जिनकी पढ़ाई होती है जियोलॉजिकली, वैसे लोगों को टीम में रखते हैं, उनसे नॉलेज शेयर करते हैं, उसका नॉलेज गेन करते हैं। पूरी नॉलेज गेन करने के बाद वो एक्सपर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, पूरी नॉलेज गेन करने के बाद एक्सपर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, चाहे मैकेनिकल फील्ड हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, जो जितना ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस जिस फील्ड में रखता है उसके एक्सपर्टाइज को रखा जाता है एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो लिखिए नॉलेज बेस, लिखिए कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर, लिखिए फर्स्ट पॉइंट ए, लिखिए नॉलेज बेस। लिखिए द नॉलेज बेस ऑफ द नॉलेज बेस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, द नॉलेज बेस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम कंटेन्स फर्स्ट पॉइंट फैक्ट्स अबाउट ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, फैक्ट्स अबाउट ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर नॉलेज बेस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम कंटेन्स, फिर लिखिए उसमें पॉइंट देके, फैक्ट्स अबाउट ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, फैक्ट्स अबाउट ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, सेकेंड लिखिए द रीजनिंग प्रोसीजर्स द रीजनिंग प्रोसीजर्स ऑफ एन एक्सपर्ट, द रीजनिंग प्रोसीजर्स ऑफ एन एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट, द रीजनिंग प्रोसीजर्स ऑफ एन एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट। ए हो गया नॉलेज बेस। बी लिखिए, नॉलेज तो चाहिए ही पार्टिकुलर डोमेन का, अगर आप एक्सपर्ट सिस्टम बनाने जा रहे हैं पार्टिकुलर डोमेन के बारे में। दूसरा लिखिए, सेकंड लिखिए बी में सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का मतलब कोई भी एप्लीकेशन हम बिना सॉफ्टवेयर के रिसोर्स के नहीं डेवलप कर सकते। बिना कोई सॉफ्टवेयर का कोई एप्लीकेशन डेवलप हो सकता है? तुम लोग बताओ जल्दी। नो सर। नो सर। तो हमें सॉफ्टवेयर तो चाहिए, सॉफ्टवेयर इज ए कंपलसरी नॉलेज। क्या हुआ?
तो सॉफ्टवेयर तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आज हम कोई भी डेवलपमेंट करते हैं, वेब एप्लीकेशन ही बनाते हैं, कंटेंट डालते हैं, लेकिन विदाउट सॉफ्टवेयर क्या वो चलेगा? तो सॉफ्टवेयर चाहिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लो, रोबोट बना लो, एक्सपर्ट सिस्टम बना लो, बिना सॉफ्टवेयर कोडिंग के कुछ भी नहीं बनेगा। तो लिखिए बी में, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज में लिखिए एन एक्सपर्ट सिस्टम, एन एक्सपर्ट सिस्टम, एन एक्सपर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज, एन एक्सपर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज कंटेन्स एन इनफेरेंस इंजन, कंटेन्स एन इनफेरेंस इंजन, कंटेन्स एन इनफेरेंस इंजन। सर इनफेरेंस क्या होता है? इनफेरेंस का मतलब जो पैकेजेज होता है ना, तो पैकेज में सारे टूल्स होते हैं। पैकेज का मतलब जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर जैसे तुम उसके बारे में जल्दी समझ जाओगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं सारे बच्चे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एक फाइल्स नहीं होती, उसके अंदर मल्टीपल या थाउजेंड ऑफ फाइल्स होती है इंटरनली, तो उसी को, और जो जब मिल के काम करती है तो इनफेरेंसली काम करती है इंजन पे, ठीक है। पैकेज कंटेन्स एन इनफेरेंस इंजन, लिखिए एंड अदर प्रोग्राम्स, एंड अदर प्रोग्राम्स फॉर रिफाइनिंग, फॉर रिफाइनिंग नॉलेज एंड फॉर रिफाइनिंग नॉलेज एंड कम्युनिकेटिंग विथ यूजर्स, अदर प्रोग्राम्स फॉर रिफाइनिंग नॉलेज एंड कम्युनिकेटिंग विथ यूजर्स, लिखिए फुल स्टॉप, द इनफेरेंस इंजन प्रोग्राम, द इनफेरेंस इंजन प्रोग्राम प्रोसेसेज, इन द इनफेरेंस इंजन प्रोग्राम प्रोसेसेज द नॉलेज, प्रोसेसेज द नॉलेज सच एज रूल्स एंड फैक्ट्स, सच एज रूल्स एंड फैक्ट्स, related to a specific problem full stop, it then makes associations and inferences resulting in recommended course of action, recommended course of action for a user, resulting in recommended
कोर्स ऑफ एक्शन फॉर ए यूजर फुल स्टॉप यूजर इंटरफेस प्रोग्राम्स यूजर इंटरफेस प्रोग्राम्स यूजर इंटरफेस प्रोग्राम्स फॉर कम्युनिकेटिंग विथ for communicating with end users for communicating with end users are also needed end users are also needed comma sir last ka sentence repeat ki user interface programs for communicating with end users yes, sir. Are also needed. Also needed. मैं repeat कर देता हूँ, don't worry. User interface programs for communicating with End users are also needed. Yes, sir. Comma, including an explanation programs, including an explanation programs to explain the reasoning process. प्रोग्राम के बाद सर इंक्लूडिंग एन एक्सप्लेनेशन प्रोग्राम्स टू टीओ टू एक्सप्लेन द रीजनिंग प्रोसेस टू ए यूजर ऑल्सो नीडेड कॉमा इंक्लूडिंग एन एक्सप्लेनेशन प्रोग्राम्स टू एक्सप्लेन द रीजनिंग प्रोसेस to explain the reasoning process to a user if requested देखो तो सॉफ्टवेयर रिसोर्स तो हमें चाहिए ही चाहिए सॉफ्टवेयर रिसोर्स इज नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम आपको नॉलेज हो गया आपको पार्टिकुलर डोमेन के बारे में नॉलेज हो गया बट नॉलेज तो हो गया लेकिन आप उस सॉफ्टवेयर को तब तक डेवलप नहीं कर पाएंगे जब तक उसके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं होगी जब तक उस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उस सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं कर सकते ठीक है अब है एक्सपर्ट सिस्टम एप्लीकेशंस अच्छा ये तुम लोग बताओ कि एक्सपर्ट सिस्टम का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है आज के डेट में आप ये तो सोच के बता ही सकते हो एक्सपर्ट सिस्टम वेयर वी आर यूजिंग एक्सपर्ट सिस्टम राइट नाउ एक्सपर्ट सिस्टम सर अब तो हर जगह एक्सपर्ट सिस्टम काम करता है जस्ट लाइक अगर आजकल तो बीपी किसी को नापना होता है बीपी मशीन है फिर
सर ईयरफोन ये ब्लूटूथ डिवाइस सर, ये भी एक तरह का एक्सपर्ट सिस्टम ही है। क्या ब्लूटूथ डिवाइस सर? कौन सा डिवाइस? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ यस सर। हाँ वेरी गुड, ब्लूटूथ इज एन एक्सपर्ट सिस्टम, वेरी गुड। और सर ये क्या बोलते हैं ईसीजी मशीन? हाँ वेरी गुड। और सोचो बिट्टू कुमार, तुम भी सोचो। सर आजकल वो शुगर नापने वाले मशीन आते हैं, बड़ा सा जवाब। वेरी गुड। और बताओ सर, कंप्यूटर सिस्टम? नहीं, कंप्यूटर सिस्टम को आप इंटरेक्शन देते हो, कंप्यूटर से कुछ भी काम कराना आप इंटरेक्शन देते हो कि नहीं? यस सर। विदाउट, जहां ह्यूमन इंटरफेयर, जहां ह्यूमन इंटरफेयर कम हो जाए वो बोलते हैं। थर्मामीटर बोल सकते हैं, एमआरआई मशीन? यस, वो तो बेस्ट एग्जांपल है एक्सपर्ट सिस्टम का, बेस्ट एग्जांपल। और स्मार्ट वॉच? स्मार्ट वॉच, वेरी गुड वेरी गुड, इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। और डिजिटल थर्मामीटर। और सर कैलकुलेटर? कैलकुलेटर को नहीं बोल सकते, कैलकुलेटर में तो आपको इनपुट करना पड़ता ना अपने हैंड से, कुछ भी जोड़ना घटाना, कुछ भी कैलकुलेशन करना। क्या गूगल असिस्टेंट? हाँ गूगल असिस्टेंट, वेरी गुड एग्जांपल, वेरी गुड। गूगल मैप, वेरी गुड। ठीक है, अब लिखिए लिखिए एक्सपर्ट सिस्टम एप्लीकेशंस, एक्सपर्ट सिस्टम्स एप्लीकेशंस में लिखिए एक्सपर्ट सिस्टम्स आर बीइंग यूज्ड Expert systems are being used for many different types of applications. Expert systems are being used for many different types of applications. Full stop. Few application categories of expert systems are, few application categories of expert systems are, first likhiye decision management, first point likhiye decision management, kya decision management pe use ho raha hai ki nahi aaj ke date mein? डिसीजन मैनेजमेंट में यूज हो रहा है, लिखिए सिस्टम्स, डिसीजन मैनेजमेंट में लिखिएगा सिस्टम्स दैट अप्रेज, सिस्टम्स दैट अप्रेज situations, systems that appraise situations or consider alternatives, systems that appraise situations or
or consider alternatives or consider alternatives and make and make make and make recommendations and make recommendations and make recommendations based on criteria supplied during the discovery process डिसीजन मैनेजमेंट हम यूज करते हैं. सेकेंड लिखिए, रिपीट कीजिए ना. फिर से मैं रिपीट कर देता हूं. डिसीजन मैनेजमेंट सिस्टम्स दैट अप्रेज APPRAISE अप्रेज सिचुएशंस और कंसीडर अल्टरनेटिव्स एंड मेक रिकमेंडेशंस based on criteria supplied during the discovery process second likhiye diagnostic/troubleshooting diagnostic का मतलब क्या होता है? So diagnostic का मतलब diagnosis करने का मतलब patient को डायग्नोसिस किया जाता है. क्या बॉडी का डायग्नोसिस जब होता है तो डायग्नोसिस मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने को हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस करना. प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस करना. ठीक है, प्रॉब्लम बाय एग्जामिनेशन ऑफ द सिम्टम्स. प्रॉब्लम बॉडी का, प्रॉब्लम एग्जामिन करना किसका? ह्यूमन बॉडी का, कि ह्यूमन बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रबल है. तो ट्रबल मतलब क्या दिक्कत है, उसको शूटिंग करना, उसको पकड़ना, उसको क्या करना, कैच करना. MRI मशीन में जब ह्यूमन बींग जाता है तो क्या करता है, उसमें जो भी प्रॉब्लम है आपकी बॉडी को ट्रबल शूट किया जाता है. ठीक है, तो लिखिए सिस्टम्स, इसमें लिखिए diagnostic/troubleshooting में सिस्टम्स दैट systems that infer underlying causes from reported symptoms and history.
from reported symptoms and history. तो बॉडी को क्या किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है. बॉडी का क्या किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है. जैसे मैंने बताया ऑक्सीमीटर बॉडी का डायग्नोसिस कर रहा है ना, एमआरआई, ईसीजी, ब्लड प्रेशर मशीन, ब्लड शुगर मशीन, ये सब क्या कर रहा है, आपकी बॉडी का डायग्नोसिस कर रहा है. नंबर थ्री लिखिए, डिजाइन कॉन्फिग्रेशन. डिजाइन कॉन्फिग्रेशन इसमें लिखिए, सिस्टम्स दैट हेल्प, सिस्टम्स दैट हेल्प कॉन्फिग्रेशन इक्विपमेंट कंपोनेंट्स, सिस्टम्स दैट हेल्प कॉन्फिग्रेशन इक्विपमेंट कंपोनेंट्स कॉमा कॉन्फिगरेशन के बाद सिस्टम्स दैट हेल्प कॉन्फिगरेशन इक्विपमेंट, कॉन्फिगरेशन इक्विपमेंट कंपोनेंट्स गिवेन गिवेन एग्जिस्टिंग कॉन्स्ट्रेंट्स, गिवेन एग्जिस्टिंग कॉन्स्ट्रेंट्स. Given existing constraints. देखो जैसे हम लोग कैड पे, तुम लोग काम नहीं किए हो, सिविल इंजीनियर करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो रिसोर्स चाहिए, आपके पास जो रिसोर्स है, आपको कोई कॉन्फिग्रेशन डेवलप करना है, तो आपने क्या किया, उस रिसोर्स को इनपुट करा दिया. उस रिसोर्स को क्या कराया, आपने इनपुट करा दिया कि ये रिसोर्स मेरे पास है. उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये रिसोर्स डाल दिया कि मेरे पास इतना इक्विपमेंट है, अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन करके हमें बताओ. तो मशीन क्या करेगा, जैसा आप इक्विपमेंट डालेंगे, व्हाट एवर यू प्रेस द इक्विपमेंट, व्हाट एवर यू इंटर द इक्विपमेंट, व्हाट एवर यू इंटर योर इनपुट इक्विपमेंट, यू विल गेट द डिजाइन अकॉर्डिंग टू दैट. जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, आप लोग किए भी होंगे, एमएस वर्ड में सब बच्चे काम करते हैं, हमने बनाया एक टेबल, उसमें 10 कॉलम 10 रो डाल दिया, फिर हम टेबल बनाए कि 100 कॉलम 100 रो. तो जितना आप डालते जाते हैं उस हिसाब से टेबल का स्ट्रक्चर बनते जाता है. आप लोगों ने किया होगा, क्या बनता है कि नहीं बनता है, yes, तो सबका इक्विपमेंट तो उसी तरीके से. अब एक्सपर्ट सिस्टम में क्या हुआ, एक्सपर्ट सिस्टम जैसे गूगल में, गूगल में क्या करते हैं, आप जो भी बोलते हो उसका रिस्पांस देता है कि दूसरे चीज का रिस्पांस देता है, जो आप इनपुट करते हो उसी के हिसाब से वो रिस्पांस करता है. तो डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन में आपको इस चीज का डिजाइन बनाना है, तो आपने डिजाइनिंग का कॉन्फ़िगरेशन डाला, उस हिसाब से एक्सपर्ट सिस्टम जो जिस हिसाब से आपने इनपुट इक्विपमेंट डाला उस हिसाब से वो डेवलप कर देगा. फोर्थ लिखिए, सिलेक्शन स्लैश क्लासिफिकेशन. फोर्थ लिखे सिलेक्शन, सिलेक्शन स्लैश क्लासिफिकेशन. सिलेक्शन स्लैश क्लासिफिकेशन इसमें लिखिए, सिस्टम्स दैट हेल्प यूजर्स, सिस्टम्स दैट हेल्प यूजर्स, सिस्टम्स दैट हेल्प यूजर्स चूज चूज प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेज, चूज प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेज चूज प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेज ऑफ एन
often among large or complex set of alternatives. जैसे आप सुनिए, कोई आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरे या गवर्नमेंट जॉब आपका मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरे, उसमें 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, तो उसमें राइट पर्सन कौन है और रॉन्ग पर्सन कौन है उसको सेलेक्ट करने के लिए ह्यूमन बीइंग अगर बैठेगा तो कितना टाइम लग जाएगा कि किसकी एज सही है, किसकी एज सही नहीं है, किसका सिग्नेचर सही है, किसका सिग्नेचर गलत है, किसकी फोटो सही है, किसकी फोटो गलत है, बहुत सारे फील्ड होते हैं, उसमें अगर ह्यूमन बीइंग करेगा तो इट टेक्स मोर एंड टाइम लेगा। उसको बहुत करना पड़ेगा यहाँ से वहां। लेकिन अब क्या, अगर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करें, एक्सपर्ट सिस्टम के थ्रू करेंगे, तब कितना टाइम लगेगा? स्कैन करना होगा, वो कंडीशन हम लगाएंगे और एक्सपर्ट सिस्टम उसको डेवलप कर लेगा। एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर हम कोडिंग डालेंगे, प्रोग्रामिंग, और वो तुरंत, मतलब जो काम ह्यूमन बीइंग अगर महीने दो महीने तीन महीने में करेगा तो मशीन घंटे दो घंटे में करके दे देगा ना। यस सर। अब लिखिए, इसके बाद लिखिए नेक्स्ट, प्रोसेस मॉनिटरिंग कंट्रोल। इसी का है एप्लीकेशन है किसका, एक्सपर्ट सिस्टम का। लिखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्रोसेस मॉनिटरिंग कंट्रोल। जिस तरह डिसीजन मैनेजमेंट था, सिलेक्शन था, डायग्नोसिस था, डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन था, उसी तरीके से है नेक्स्ट प्रोसेस मॉनिटरिंग कंट्रोल। प्रोसेस मॉनिटरिंग से क्या समझते हैं आप लोग? प्रोसेस मॉनिटरिंग से क्या समझते बताओ? कोई भी काम को प्रोसेस में करना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल गूगल असिस्टेंट को कहा गया कि आप गाना बजाएं, तो फिर पूछेगा कौन सा गाना, तो फिर उसके बाद गाना बताइएगा, फिर पूछेगा 1999 का बजाना है कि 2021 का बजाना है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल प्रोसेस के प्रोसेस थ्रू जाता है कोई MRI मशीन भी वो पूरी तुरंत स्कैन नहीं करती है, पूरी प्रोसेस में जाती है। कहाँ से आवाज आ रही भाई, किस बच्चे के यहाँ से? देखो प्रोसेस मॉनिटरिंग कंट्रोल, देखो तुम लोग देखे होगे एक्सपर्ट सिस्टम में, जैसे दवाई की स्ट्रिप बनती है तो क्या 10 से ज्यादा दवाई भरी जाती है किसी में क्या? क्या एक बिस्किट का डिब्बा बनता है उसमें जो काउंटेड बिस्किट है उससे ज्यादा आता है क्या? नो सर। तो वहाँ भी एक्सपर्ट सिस्टम, या कोल्ड ड्रिंक का पैकेट है, पैच है, उसमें ज्यादा आता है कि वहाँ भी एक्सपर्ट सिस्टम काउंट करते रहता है। जैसे एक माचिस की तिल्ली का डिब्बा, उसमें भी आप देखोगे काउंट करके तो जितना लिखा है ऊपर उतना ही रहता है, बहुत कम चांस है उससे ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। उसका कारण क्या है कि एक्सपर्ट सिस्टम काउंट करता है, एक्सपर्ट सिस्टम हर चीज को, प्रोसेस को मॉनिटर करता है। एवरी प्रोसेस इज मॉनिटर्ड बाय द एक्सपर्ट सिस्टम। समझ गए? इसमें लिख लो दो लाइन, सिस्टम्स दैट मॉनिटर सिस्टम्स दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोसीजर्स और प्रोसेसेज एज, लिखे फुल स्टॉप के बाद, एज वी कैन सी Expert systems are being used, as we can see, expert systems are being, B-E-I-N-G, as we can see, expert systems are being used in
many different fields, used in many different fields. In fields ke baad comma, including medicine, comma. Sir, as we can see ke baad. As we can see, expert systems are being used in many different fields. Comma. Including medicine, comma. Including medicine, comma. Engineering the physical sciences, comma. And business. सब लोग लिख लिए इंजीनियरिंग द फिजिकल साइंसेज कॉमा एंड बिजनेस हाँ आप अटेंडेंस लेंगे तो सब जिसको लीव होना है लीव हो जाइए शुभम कुमार सबका ले लीजिए एक क्वेश्चन था बोलो सर द स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजेस स्ट्रक्चर्ड यूजेस क्या है पूरा बताओ सर द स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजेस ऑप्शन में है टॉप डाउन अप्रोच ऑप्शन टू बॉटम अप अप्रोच ऑप्शन सी Both A and B or D में none of the above. C है. Bottom up. सर bottom up approach होगा ना? इसमें दोनों करता है लेकिन. Bottom top होगा सर. मैं देख के बताऊंगा जहां तक मुझे जानकारी है bottom up approach touch करता है ये लेकिन एक बार मैं देख के बताऊंगा ज्यादा कि इधर नया नया invention होते रहता है ना languageों पे. इसे bottom up approach tight है सर. ठीक है देख लूंगा सत्यम. मैं लिंक खोल रहा हूँ जिन बच्चों को लीव होना हो जाए तुम ले लो सबका अटेंडेंस मैं तुमसे ले लूंगा देख लीजिएगा सर एक मिनट क्योंकि आप लोग का क्लास होगा ना शिल्पा मैम का जी सर 26 रोल नंबर सर एक मिनट भाई अभी पहले सत्यम बोल देगा सबका पहले जल्दी रहता है इनको कोई बच्चा नहीं बोलेगा एक्सेप्ट सत्यम हाँ सत्यम बोलो अब एक वन बोलो एक क्या बोलते हो यस वन थ्री सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11 12 14 yes sir 14 17 21 24
19 को छोड़ दिया 24 19 बना दिया आगे बोलो 24 के बाद बोलो 25 ओके 25 यस सर 26 26 31 यस सर 28 आशी कुमारी एक मिनट और बॉस सब लीव करता गया 28 हो गया सर हो गया 28 हाँ सर ठीक और है। कोई बच्चा ना किसी का नहीं छूटा है ना नहीं सर ओके बेस्ट ऑफ लक फिर ठीक है जब नेक्स्ट क्लास मैम का लिंक आ गया लग तो रहा है सर ठीक है ज्वाइन करो क्लास अब Mm-hmm.